अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे फार्मूला नाइट क्रीम। अगर आप भी अपने रंग को गोरा चिटा करना चाहते हैं या अगर आपके फेस पे एक्नी पिंपल के निशान हैं तो आपने ये फार्मूला नाइट क्रीम बना के रख लेनी है। आपका रंग भी गोरा हो जाएगा और आपके फेस पे एक्ने और पिंपल के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी ये नाइट क्रीम है, आपके रंग को बहुत जल्दी गोरा करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नाइट क्रीम बनाकर भी बताऊंगी और मैंने आपको बताना है आपने क्या चीज़ कितनी ऐड करनी है, इसके फ़ायदे कितने और इसके क्या नुकसान है। चले मैं आपको सारा कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगी। आपने इसको कब और कैसे इस्तेमाल करनी है तो आप फुल वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना ताकि आपको हर बात की डिटेल में समझ आए। वीडियो थोड़ी लंबी है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने फुल देख के जाना है ताकि आपको हर बात की डिटेल में समझ आए। चले मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले इस फार्मूला क्रीम में हमने ऐड करनी है गोल्डन पर्क क्रीम। आप इसके जब कोई भी वाइटनिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं पर ये ऐड करेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, लाजमी ऐड करनी है। अब आपने ऐड करनी है यूका वाइटनिंग क्रीम, ये आपने पपाया में लेनी है। आपने ये क्रीम भी लाजमी लेनी है। इसके बाद आपने इसमें लेनी है, अब आपने इसमें ऐड करनी है स्टिल मैन क्रीम, ये भी आपने ग्रीन वाली लेनी है और आपने रेड वाली नहीं लेनी। अब जो हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है, ये क्रीम आपके एक्ने और पिंपल के निशान को भी ख़त्म करता है। अगर आपके फेस पर रिंकल्स है तो रिंकल्स भी ख़त्म हो जाएगा, आपका रंग भी गोरा हो जाएगा। तो आपने ये क्रीम भी इसमें लास्ट में ऐड करनी है, आप इसको अकेली भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसमें ऐड करनी है वाइटनिंग क्रीम, ये भी आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। हर क्रीम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। क्रीम ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है मेडिकम क्रीम, ये भी आपने लाजमी ऐड करनी है। ये आपके रंग को गोरा करेगी और आपके फेस पे रौनक लेकर आएगी, मतलब आपके फेस पे आएगा ग्लो इसको लगाने से। तो आपने ये क्रीम लाजमी ऐड करनी है। इस क्रीम को लगाने के बाद अब आपने इसमें ऐड करनी है मीना क्रीम, आपने ये मीना क्रीम भी लाजमी ऐड करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने इसमें ऐड करनी है आर्ची क्रीम, आर्ची क्रीम ऐड करने के बाद अब आपने इसमें आर्ची पाउडर भी लाजमी ऐड करना है। यह आपको 70 के दो पाउडर मिले, मतलब दो कैप्सूल मिलेगी, इसके अंदर पाउडर होता है, तो आपने ये भी लाजमी ऐड करना है। अब आपने इसमें ऐड करना है वाइटनिंग कैप्सूल, वाइटनिंग कैप्सूल भी आपने 5 इसमें ऐड करने हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपने इसमें आधी चम्मच क्लोबोवेट क्रीम ऐड करनी है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम नाजुक है तो आपने इसमें क्लोबोवेट क्रीम नहीं ऐड करनी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, आ रही ना समझ। अब आपने इसमें ऐड करनी है फेयर लवली क्रीम का एक जार ऐड करना है, पर मैं ये ट्यूब लेकर आई थी जो बहुत ही कम है। अगर आपके पास ट्यूब है तो आप दो ट्यूब ऐड करें, अगर आपने इतनी ही छोटी ट्यूब ऐड करनी है, वरना आप इसमें जार ऐड करें, ठीक है। मैं गलती से ट्यूब ले आई थी पर आपने इसमें जार ही ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इन क्रीमों को मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया पपाया क्रीम, तो यार ये आप देख सकते हैं अंदर से कितनी कम होती है, ये आधी चम्मच से भी कम होती है, आधी चम्मच से भी आधी होती है, तो ये अंदर से इतनी निकलती है। तो हमने अच्छे से साफ़ करना है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पता नहीं कौन सी क्रीम है, ये भी आपने इसमें ऐड करनी है। पहले मैंने आपको सारी क्रीमों का बता चुका है, इसको भी आपने अच्छे से साफ़ करना है। इस क्रीम के बाद अच्छे से हमने इसको साफ़ करना है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पैसे लगे होते हैं तो आपने ज़ाया नहीं करनी, और ये अंदर से इतनी कम होती है ना, ये 4-5 क्रीम मिलकर भी एक चम्मच नहीं होती। अब हमने इसमें वाइटनिंग क्रीम ऐड करनी है, इसमें भी इतनी ही क्रीम निकली कि आपने अच्छे से सारी क्रीम निकाल लेनी है, और ये 4-5 क्रीम बनकर भी एक चम्मच नहीं होती, या ये बहुत कम होती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने लाजमी ऐड करनी है। ये इतनी सी आपकी स्किन के लिए बहुत होती है। तो चलो फिर हम क्रीमों को निकालते हैं। पहले आपने छोटी क्रीमें हैं ना 4-5 क्रीमें, इन्हें आपने निकालना है जो आपको नज़र आ रही है, ताकि आपको मिक्सिंग करने में आसानी हो। फेयर लवली क्रीम और मेडिकम क्रीम आपने लास्ट में ऐड करनी है। तो पहले आपने छोटी छोटी क्रीमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले मैं इसमें सारी ही छोटी क्रीम में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है, तो पहले हमने हार्ड क्रीम इसमें ऐड करनी है, बाद में हमने सॉफ्ट जो नरम क्रीमें होती है जैसे फेयर लवली हो गई, ये हमने बाद में ऐड करनी है। मेडिकम, फेयर लवली और स्टिल मिल्क क्रीम हमने बाद में ऐड करनी है। पहले हमने सारी छोटी क्रीमें ऐड करनी है, फिर हमने गोल्डन पर्क ऐड करनी है। चले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ और आप देखना हमने क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आए कि हमने इसको बनाया कैसे, और काफ़ी लोगों का फार्मूला क्रीम की वजह से एक्ने और पिंपल के मसले बन जाते हैं, वो इस वजह से कि काफ़ी लोग क्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्रीम को कैसे यूज़ किया जाता है। आप किसी भी क्रीम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बेजा इस्तेमाल करेंगे और बेतुक
नमक इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आपके चेहरे को ख़राब करना ही है उसने। चाहे वो कोई भी क्रीम हो, चाहे वो फार्मूला क्रीम हो या होममेड क्रीम हो या कोई भी क्रीम हो, आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करने की वजह से आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। चले मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले आपने ये 3-4 छोटी छोटी क्रीमों को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो आपने इस क्रीम को कैसे यूज़ करना है, चले सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने एक हफ़्ता इस क्रीम को रोज़ाना लगाना है, एक हफ़्ता आपने लगाना है। एक हफ़्ते के बाद आपने इसको एक दिन छोड़ के लगाना है। इस तरह आपने 15 दिन इस क्रीम को लगाना है, एक दिन छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आपने इसको वीक में 2 बार लगाना है, आपने रोज़ाना इस क्रीम को नहीं लगाना। तो आपने वीक में इसको 2 दिन लगाना है। सबसे पहले आपने एक हफ़्ता लगाना है, उसके बाद आपने एक दिन छोड़ के इस क्रीम को लगाना है 15 दिन। 15 दिन के बाद आपने वीक में 2 बार लगाना है। इस तरह आप पूरा साल लगाएगी, 2 साल लगाएगी ये क्रीम, आपके चेहरे पर कोई भी नुकसान नहीं होगा इस क्रीम को लगाने से, ना एक्ने ना पिंपल, कुछ भी नहीं होगा। और ये तो हो गया कि आपने इसको लगाना कैसे। कुछ लोगों को क्रीम छोड़ने के बाद भी एक्ने और पिंपल के मसले बन जाते हैं, लेकिन जब तक वो क्रीम लगा रहे हैं तो एक्ने और पिंपल के मसले नहीं बनते। जैसे क्रीम लगाना छोड़ा है तो फेस ख़राब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आप क्रीम को अचानक ही छोड़ देते हो। आपने क्रीम को अचानक नहीं छोड़ना, पहले आपने क्रीम को लगाना कम करना है, उसके बाद आस्ता आस्ता उसको छोड़ना है, एकदम उसको नहीं छोड़ना। अगर आप एकदम छोड़ोगे तो तब भी आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन को इस क्रीम की आदत हो जाती है, और जब आप छोड़ोगे तो आपकी स्किन हो जाएगी ख़राब। तो आपने इस क्रीम को अचानक नहीं छोड़ना। चले मैंने आपको बता दिया कि आपने लगाना कैसे, कैसे यूज़ करना है, कितने दिन आपने लगाना है और कैसे आपने इसको छोड़ना है। अब आपको मेरी बात की समझ आ गई है। मैंने ऑफ कैमरा भी इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब हमने इसमें ऐड करना है वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करनी है, और हमने इसमें ऐड करनी है आर्ची पाउडर। आपने 2 आर्ची कैप्सूल इसमें ऐड करने, उसके अंदर पाउडर होते हैं, आर्ची पाउडर होते हैं, वो आपने लाजमी ऐड करने। और ये क्रीम मैं किसी को बना के दे रही हूँ तो सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, ताकि अगले बंदे को तसल्ली हो कि यार हमारी क्रीम अच्छी बनाई है और सब चीज़ें ऐड की है। तो अगर काफ़ी लोगों को फार्मूला क्रीम से मसला होता है, मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत से ऐसे मैसेज भी आएंगे कि यार इसमें केमिकल होते हैं, जिन्हें मसला है वो ये क्रीम ना यूज़ करें। लेकिन जो लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने फेस पे ग्लो रौनक लाना चाहते हैं, वो ये क्रीम लाजमी बनाए, पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। तो अब हमने इसमें पाउडर और कैप्सूल ऐड किया, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अब हमने इसमें ऐड करना है मेडिकेम क्रीम, ये भी आपने लाजमी ऐड करनी है। आप इसका बड़ा जार भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें छोटा जार ऐड किया। लेकिन अगर आप बना रहे हो तो आप इसमें बड़ा जार ही ऐड करें। तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। मैंने ऑफ कैमरा भी इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया था। अब हमने इसमें ऐड करनी है क्लोबो वेट। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तब आप इसमें ये आधी चम्मच ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक है तो आप इसमें मत ऐड करें। अब हमने इसमें ऐड करनी है फेयर लवली क्रीम। फेयर लवली क्रीम का भी आपने पूरा जार इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पर ट्यूब ऐड की है, पर आप इसमें जार ऐड करना। अगर आप ट्यूब ऐड कर रहे हैं तो आपने इसमें 2 ट्यूब ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे फेयर लवली क्रीम की 1 ही ट्यूब ऐड की है, जो मैं गलती से ले आई थी। मैंने 2 लेकर आनी थी पर मैं 1 ले आई। लेकिन अगर आप बना रहे हो तो आप इसमें 2 ही ऐड करना। अब ये हमारी क्रीम बनके तैयार है, अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है। अब आपने इसको किसी भी डब्बी में स्टोर करनी है। मैंने यहाँ पर गोल्डन पर्क की डब्बी में इसको बना के स्टोर कर, अच्छे से आपने भर लेना है। और ऐसे हमने 3 से 4 डब्बियाँ बना लेनी है। और इस क्रीम को आपने अपने फेस पे भी लगाना है, अपने हैंड एंड फिट पे भी लगाना है, अपनी नेक पे भी लगाना है। और आप अपनी नेक पे भी लाजमी क्रीम को लगाया करें, ताकि आपके फेस के साथ साथ आपकी गर्दन भी चमके। ये ना हो कि आपके फेस का रंग अलग और गर्दन का रंग आपके अलग हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हमने इसको अच्छे से डब्बे में स्टोर करना है। और आपने इस क्रीम को लगाने से पहले फेस वॉश करना है, अपने फेस पर लोशन लगाना है या कोई भी सीरम लगाना है, बाद में आपने ये क्रीम अपने फेस पर लगाना है। कभी भी सूखे फेस पर आपने नाइट क्रीम नहीं लगानी, कोई भी नाइट क्रीम हो। सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है, फिर आपने लोशन या सीरम अप्लाई करना है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप लगा सकते हैं। आप वेजलिन भी लगा सकते हैं, आप ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीरम या लोशन नहीं है, तब आपने ये नाइट क्रीम अपने फेस पे लगाना है, तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं हमारी 3 डब्बियाँ बनके तैयार है, और एक और डब्बी भी आपकी बन जाएगी। अभी बाउल में बहुत ज़्यादा क्रीम बची हुई है, इसको अच्छे से आप साफ़ करोगे तो आपकी एक और डब्बी बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रीम ज़्यादा बने तो आप इसमें वेजलिन भी ऐड कर सकते हैं। आपने एक डब्बी इसमें वेजलिन ऐड करनी है, तो आपकी स्किन भी बहुत नरम मुलायम हो जाएगी और आपकी क्रीम भी ज़्यादा बनेगी, अगर आपने सेल करनी है तो। और काफ़ी सलोन वाले इसमें वेजलिन और ब्लीच पाउडर भी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपका रंग जल्दी से वाइट होता है
और वैजलिन की वजह से आपकी क्रीम ज़्यादा बनती है। पर मैंने इसमें वैजलिन ऐड नहीं की, लेकिन अगर आपने ऐड करनी है या अगर आपने इसको सेल करना है तो आप इसमें वैजलिन भी ऐड कर सकते हैं और ब्लीच पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो आप सेल भी कर सकते हैं, रंग भी जल्दी वाइट होगा और आपकी क्रीम भी ज़्यादा बनेगी। चले, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।